हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोग्य वर्धनी। अगर आपके पास भी चेहरे की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आप अपने चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रात में सोने से पहले कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। गुलाब जल। गुलाब जल आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, यह बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं किसी भी फेस पैक को बनाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल करती है। अगर से आपको अच्छा इफेक्ट चाहिए, तो रात को सोने से पहले गुलाब जल अपने चेहरे पर लगाकर सोए और सुबह उसे साफ पानी से धो ले। इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। साथ ही अगर आप इसको मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, तो इसे फ्रिज में रखकर कुछ देर ठंडा करें और फिर कॉटन के हेल्प से अपने चेहरे पर लगाएं। गुलाब जल स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ ही इस स्किन में नमी बनाए रखता है। एलोवेरा जेल। स्किन के लिए अमृत माने जाने वाला एलोवेरा जेल आपकी स्किन की कई परेशानियों से बचाने में मदद करता है और खूबसूरती भी बढ़ाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एलोवेरा की पत्ती में से जेल निकालकर इसके एक पतली लेयर चेहरे पर लगाकर 2 से 3 मिनट मसाज करनी है और सुबह चेहरे को अच्छे से धो लेना है। इससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा और साथ ही आपकी स्किन भी टाइट लगने लगेगी। बादाम। बादाम का तेल भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे चेहरे पर लगाने से स्किन में काफ़ी ग्लो दिखने लगता है। बादाम के तेल में मौजूद EA फैटी एसिड और मॉइस्चराइजिंग गुण स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं, साथ ही स्किन का ग्लो भी बढ़ाते हैं। सोने से पहले चेहरा धोकर इसकी पतली लेयर लगा लें। आप चाहे तो 2 से 3 मिनट तक चेहरे पर हल्के मसाज कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप बादाम का तेल ऑर्गेनिक ही लगाएं। दूध। दूध हर किसी के घर में रहता है। आप फ्रिज से ठंडा दूध निकाल कर रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्की सी मसाज करें, फिर ऐसे ही इसे छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को अच्छे से साफ कर ले। इसे रेगुलर करने से न केवल आपका चेहरा ग्लोइंग होगा, बल्कि दूध से आपके चेहरे पर जमी धूल मिट्टी भी निकल जाती है। इतना ही नहीं, यह आपकी रंगत को भी निखारता है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है। अगर से आपको इनमें से कौन सा भी उपाय पसंद आ रहा है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि एक समय पर एक ही चीज़ ट्राई करें, और इसे आपको कई दिनों तक ट्राई करना होगा, क्योंकि ये घरेलू उपाय है जो धीरे से पर पूरी तरह से असर करते हैं। अगर से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं, तो आपकी आपके मोबाइल पर इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, टेक केयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम।